हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम MySQL सीख रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम टेबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उनमें अपने वैल्यूज़ को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी वैल्यू थी वो थी नल। और आज हम चेंज करेंगे इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को नल से कुछ और, तो देखते हैं कैसे होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल। उसके बाद टेबल का नाम रखता हूँ फॉर एग्जांपल गिटार्स टू, ओके। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, देखिए, सबसे पहले पहली कॉलम का नाम जो भी मेरी कॉलम का नाम होगा, उसके बाद इसमें होगा वार चार और उसकी मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट होगी 100। उसके बाद एक और मेरे पास फील्ड होगी प्राइस, और जो कि होगा इंटीजर में, ओके। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो मॉडल नेम है उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू करनी है वो मुझे करनी है अननोन, नल से हटा के मुझे एक स्ट्रिंग करनी है उसकी वैल्यू, ठीक है। देखिए क्या होगा, तो डिफ़ॉल्ट, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद मुझे थोड़ा सा लेना स्पेस, ठीक है, और वैल्यू लिखनी है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू होगी मेरे पास, अननोन, ठीक है। ऐसी जो प्राइस होगी, जो प्राइस की अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं सेट करता हूँ, अगर प्राइस की वैल्यू हम ना दें तो फॉर एग्ज़ाम्पल -1, फॉर एग्ज़ाम्पल, सॉरी, स्ट्रिंग में -1। और एक बात और, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो उसी टाइप की होनी चाहिए जो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे डेटा टाइप, फॉर एग्ज़ाम्पल वार चार, तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, ओके। यहाँ पे इंटीजर, तो यहाँ पे भी इंटीजर होना चाहिए, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेमी कोलन लगाता हूँ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मैंने सेट कर दी जब मैंने टेबल को क्रिएट किया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल में वैल्यूज़ को इंसर्ट करता हूँ गिटार्स टू नाम के उसमें। देखिए कैसे होगा, देखिए, इंसर्ट इनटू गिटार्स टू और वैल्यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मॉडल की वैल्यूज़ को ही इंसर्ट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यामाहा, और उसके बाद कोमा, उसके बाद एक और वैल्यू, उसके बाद टेलर, ओके। तो अगर मैं अब सेलेक्ट करूँ जितने भी मेरे सब कुछ सेलेक्ट करूँ, सॉरी, यहाँ पे गिटार्स टू आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं यामाहा टेलर, वो जो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइस है अभी -1 है, अभी नल नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे मैं क्या करता हूँ अभी मैं मॉडल भी नहीं देता, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करता हूँ, दोनों चीज़ें नल रहने देता हूँ, प्राइस भी और मॉडल भी, ओके। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, फिर से सेलेक्ट करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं अननोन अननोन अननोन, अगर मैं कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो चुकी है अब अननोन, और प्राइस की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो चुकी है अब -1, ठीक है। और मैंने इसको कैसे डिफाइन किया आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका रहा सिंटैक्स, आप इसको नोट कर सकते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मॉडल, उसके बाद मैंने क्या किया डेटा टाइप, उसके बाद मैंने क्या किया डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या सेट की मैंने अननोन, ऐसे ही मैंने प्राइस के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या सेट की -1, ओके। अब बात करते हैं नल की, मतलब देखिए अगर मैं अपने टेबल को डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है, डिस्क्राइब फॉर एग्ज़ाम्पल गिटार्स टू, ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक फील्ड है मॉडल प्राइस, बिल्कुल सही है, टाइप क्या है वार्ड चार और इंट, बिल्कुल सही है। यहाँ पे नल यस का मतलब क्या है, नल यस का मतलब है कि मैंने अपने टेबल में ऐसा अलाउ किया हुआ है कि कोई वैल्यू नल हो सकती है। इसके एग्जांपल से समझते हैं, देखिए मैं क्या करता हूँ, एक टेबल में एक वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं मॉडल, जो मॉडल कोमा फॉर मेरे पास क्या था प्राइस,
ठीक है, मैं क्या करता हूँ मॉडल, और मैं प्राइस की वैल्यू क्या सेट करता हूँ, खुद से नल, मतलब कि जान के नल सेट करता हूँ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो पहले नल थी, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट को तो चेंज कर दिया, बट मैं जान के भी तो नल सेट कर सकता हूँ ना। ओके तो अब देखना, अब मैं अगर क्या करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने नल सेट कर पाया। मैं नल सेट क्यों कर पाया, क्योंकि मैंने ऐसा अलो किया हुआ है। ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे टेबल में कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, या तो वैल्यू हो। ठीक है, तो देखते हैं अब मैं क्या करता हूँ, अब फिर से एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल गिटार्स 3। ठीक है, और इसमें क्या होगा, पहले मॉडल होगा जिसमें वैल्यूज होंगी वार चार में, उसके बाद इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी, वो होगी फॉर एग्जांपल अननोन। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ लिखता हूँ, यहाँ पे नॉट नल। नॉट नल का मतलब अब इस कॉलम में नल वैल्यू नहीं हो सकती, इस कॉलम में कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती, इसका मतलब ये है। ऐसे मैं इंटीजर के साथ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, प्राइस जो कि इसमें स्टोर होगा इंट में, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, -1, और यहाँ पे लिखता हूँ नॉट नल। ओके, अब मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो चुका है, अब देखते हैं क्या होगा। देखिए, अब मैं गिटार्स 3 में क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ वैल्यूज को, इंसर्ट इनटू गिटार्स 3। ओके, यहाँ पे मॉडल कोमा प्राइस। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, जान के नल वैल्यू सेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वैल्यूज यहाँ पे फॉर एग्जांपल नल नल। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो आपने देखा कि यहाँ पे मेरे पास एरर आ चुका है। क्यों क्यों एरर आ चुका है, क्योंकि मैंने अलो ही नहीं किया कि मेरे कॉलम में वैल्यू नल हो। अब देखते हैं, मैं अपने टेबल को डिस्क्राइब करता हूँ, डिस्क्राइब गिटार्स 3। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नल आ रहा है, नो, मतलब मेरे जो मॉडल नाम की जो कॉलम है उसमें कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा कि नल और डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है। बट अभी हमारे डेटाबेस में एक प्रॉब्लम है, देखिए हमारे टेबल में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वैल्यू एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, मतलब देखिए यामा -1, यहाँ पे टेलर -1, यहाँ पे फिर से अननोन, फिर से -1, अननोन फिर से आ गई, -1 फिर से आ गया, मतलब दो रो बिल्कुल सेम आइडेंटिकल, मतलब कि हमें पता नहीं लगेगा कि ये रो और ये रो में डिफरेंस क्या है। अब ये इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए अभी क्या होता है, हमारे पास हमें जो डेटाबेस में वैल्यू स्टोर करनी है ना, हमें वो यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, मतलब कि हर एक रो दूसरी कॉलम से यूनिक होनी चाहिए, मतलब कि हर एक रो यूनिक होनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी क्यों है, देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम में एक फील्ड है मेरे पास यूज़र नेम, एक फील्ड है मेरे पास पासवर्ड। देखिए अगर क्या होगा, अगर दो यूज़र नेम सेम हो गए, ठीक है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, दो यूज़र नेम सेम नहीं हो सकते, तो हम क्या चाहते हैं कि यूनिक हो, मतलब कि जो कॉलम की हर एक वैल्यू क्या हो, यूनिक हो। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्राइमरी की, और जो जिसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, आईडी होती है, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अगर हम कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं किसी की कंपनी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, दो रो को हम बिल्कुल यूनिक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्राइमरी की, जिसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए।